दहेज प्रताड़ना में फरार आरोपी पति ज्ञानदास गिरफ्तार, पुलिस ने किया न्यायालय में पेश, भेजा गया जेल। लांजी बहेला थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम सावरी खुर्द निवासी एक नवविवाहिता ने विगत दिनों 30 जून को अपने पति और ससुराल पक्ष वालों पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट किए जाने मामला दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार पति ज्ञानदास मस्करे को गिरफ्तार किया और उसे आज 17 जुलाई को सिविल न्यायालय में पेश किया, जहां से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी पति ज्ञानदास मस्करे को जेल भेजने की कार्रवाई की गई। मामले की जानकारी अनुसार ग्राम काली माटी निवासी सरिता मस्करे 26 वर्ष की विवाह एक वर्ष पूर्व ग्राम सावरी खुर्द निवासी ज्ञानदास मस्करे के साथ हुआ था। शादी के 2 माह तक सरिता को ससुराल पक्ष वालों द्वारा ठीक तरह से रखा गया, परंतु उसके बाद नवविवाहिता को पति एवं ससुराल के लोगों सास कलावती, जेठ लालदास मस्करे, जेठानी मनीषा मस्करे और ननद अनीता दशरिया द्वारा दहेज की मांग करते हुए परेशान किया जाने लगा और मारपीट भी की जाने लगी। पति द्वारा मायके से आए दिन मोटरसाइकिल, 5 लाख नकद एवं सोने की चैन लाने की मांग की जाती एवं महिला का 3 माह का गर्भ भी गिराया गया एवं अप्राकृतिक कृत्य भी किया गया, जिस पर बहेला पुलिस द्वारा पीड़िता महिला की शिकायत पर पति एवं ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध धारा 377, 313, 498 ए 294, 323, 506, 34 ताही एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत 3 एवं 4 का अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई। आरोपी पति के सहयोगी माता पिता भाई बहन ने खाई जेल की हवा। वहीं इस मामले में आरोपी पति ज्ञानदास मस्करे नवविवाहिता द्वारा रिपोर्ट किए जाने के बाद से एक अन्य युवती को लेकर फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के कृत्य में सहयोगी माता पिता भाई भाभी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था, जिन्हें भी माननीय न्यायालय द्वारा 6 जुलाई को जेल भेज दिया गया था, जो 3 दिनों तक बालाघाट जेल में बंद रहे, जिनकी 3 दिनों के बाद बालाघाट न्यायालय से जमानत हो पाई थी। आपका परिचय? प्रधान अधीक्षक मिल्की राम सोनेकर, थाना बहेला। जैसे कि अभी मुजरिम को सर यहाँ न्यायालय में पेश किया जा रहा है, क्या नाम है उनका? आरोपी ज्ञानदास मस्करे, पिता बिरबल दास मस्करे, निवासी सावरी खुर्द जी, धारा 377, 313, 498, 294, 506, 334, 34 दहेज गिरफ्तार करके इसलिए। कब मामला पंजीबद्ध हुआ था सर? मामला 30 जून को हुआ। तो इतना लेट क्यों पेश किया जा रहा है? आरोपी फरार था, आरोपी मिलने के लिए कहाँ से पकड़ा गया आरोपी? कल थाने में उपस्थित हुआ, आज न्यायालय में पेश किया।